मैं एंड्रॉयड ऐप बनाना भी सिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने एक पिंग पोंग बॉल नाम का ऐप बना के अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ऐप दिख रहा है। और जैसे ही मैं स्टार्ट बटन क्लिक करता हूँ तो ये बॉल नीचे आ रही है और ये मैं अपनी उंगली की मदद से ये पैडल को मूव कर रहा हूँ। मेरा स्कोर बढ़ते जा रहा है, साउंड आ रहा है और जैसे ही मैं बॉल को मिस कर देता हूँ, बॉल नीचे टकरा जाती है तो ये मेरा गेम ओवर हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पवन, आपका रोबोटिक्स और कोडिंग टीचर। मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ढेरों वीडियोस लाते रहता हूँ। सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने अपनी आवाज़ के थ्रू लाइट को कैसे ऑन ऑफ करते हैं बताया है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा, उसका लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैंने ये सीरीज शुरू की है एंड्रॉयड ऐप बनाने की, जिसमें मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि किस तरीके से आप खुद अपना एंड्रॉयड ऐप डिज़ाइन कर सकते हो, उसकी कोडिंग कर सकते हो और सबसे बड़ी बात, आपका खुद का पूरा ऐप बना के प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एंड्रॉयड ऐप बनते कैसे। सो एंड्रॉयड ऐप जो बनते हैं वो बनते हैं एक MIT ऐप इन्वेंटर नाम की वेबसाइट से। सो बेसिकली MIT ऐप इन्वेंटर एक ऐसी वेबसाइट है जिसको MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसने बनाया है ताकि आप और हम छोटे बच्चे आसानी से कोडिंग सीख सके और साथ ही साथ अपने खुद के एंड्रॉयड ऐप्स बना सके। सो आप देख सकते हो कि मैंने अपने कंप्यूटर पे गूगल खोल लिया है। तो आप सब लोग अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, जो भी आपके पास डिवाइस है, आप उसमें ये गूगल ओपन कर लीजिएगा। इवन आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं उस मोबाइल में भी आप ओपन कर सकते हो और ये प्रॉपरली चलेगा। बहुत सारे लोग इसमें बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या टाइप करना है। सो सबसे पहले गूगल खोल लेने के बाद उसमें हमको टाइप करना है MIT ऐप इन्वेंटर और एंटर कर दीजिएगा। अब ये जो सबसे पहला ऑप्शन है MIT ऐप इन्वेंटर, appinventor.mit.edu, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। अब ये जो MIT ऐप इन्वेंटर की वेबसाइट ओपन हो गई है, अब हमको क्या करना है, हमको ऊपर जो सबसे ऊपर ऑरेंज कलर में क्रिएट एप्स का बटन दिख रहा है, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई है, ये कहेगा कि आपको आपके अकाउंट से लॉग इन करना है। सो आपके पास जो भी जीमेल अकाउंट है, जिस अकाउंट से आप प्ले स्टोर में लॉग इन हो रखे हैं, या आपकी कोई भी ईमेल आईडी हो, आप उससे लॉग इन कर सकते हो। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप आपकी जीमेल आईडी बना सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे मेरे अकाउंट से साइन इन कर लेता हूँ। जैसे ही आप लॉग इन करोगे आपको ये वाली स्क्रीन नज़र आएगी, बट अगर आप पहली बार लॉग इन कर रहे हो तो आपका ये जो है यहाँ पे ब्लैंक आएगा, क्योंकि आपने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया। बट मैंने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं तो आपको यहाँ पे ढेरों मेरे प्रोजेक्ट्स दिख सकते हैं। सो अब हमको नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और फिर अब ये पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं नाम दे देता हूँ माय प्रोजेक्ट और फिर मैं एंटर दबा देता हूँ। आपको नाम देते वक्त ये ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ अल्फाबेट्स लेगा, आप इसमें स्पेस या किसी भी तरह का सिंबल ये नहीं लेगा। सो आप देख सकते हो कि ये जो मेरे अब नए प्रोजेक्ट की विंडो ओपन हो गई है। सो ये विंडो कैसे है, ये कैसे काम करती है, वो मैं अब आपको समझाता हूँ। सो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये बीच में एक मोबाइल फ़ोन जैसा कुछ दिख रहा है, तो बेसिकली ये हमारा वीवर है या हमारा फ़ोन की स्क्रीन जैसा ये स्क्रीन है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऐप दिखेगा वो कैसे दिखेगा, उसमें क्या कलर्स होंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बना के देख सकते हैं। अब उसको बनाने के लिए हमको कुछ कंपोनेंट्स चाहिए, तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड पे कंपोनेंट्स पैलेट दिख जाएगा। सो बेसिकली कंपोनेंट पैलेट्स मतलब ये यहाँ पे वो सारी सामग्री अवेलेबल है जो हमको ऐप बनाने में लगती है। तो वो सारा सामान यहाँ पे है, बटन, चेकबॉक्स और बहुत सारा। सो आप उनमें से जो भी सामान चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर अब इधर हमारे में राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज, बेसिकली हम जो भी सामान लेंगे उसकी क्या प्रॉपर्टीज, जैसे हम कोई चावल लेते हैं तो कौन से चावल लेंगे,
चावल में बहुत सारी वैरायटीज होती है, फिर कितने किलो लेंगे, और जो भी हमें जितना जैसा चावल चाहिए हम वैसा लेते हैं। सेम तरीके से कोई भी हम कंपोनेंट लेते हैं, सामग्री लेते हैं, तो उसकी ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज सेक्शन से हम एडिट करते हैं। अब हम ऐसा ऐप बनाएंगे जिसमें कि मैं मेरा नाम लिख लूंगा और नीचे मेरी फोटो लगा लूंगा। सो आप भी आपका नाम लिख सकते हो और नीचे अपनी फोटो लगा सकते हो। सो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो आपको क्या करना है कि आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में कंपोनेंट पैलेट में लेबल लिखा हुआ दिख रहा होगा, LABEL लेबल। उस लेबल को ड्रैग करके आपको इधर ये जो मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है उसके ऊपर ले लीजिए। सो जो भी लेबल, जो भी सामान हम यहाँ पे लेंगे, ये हमारे कंपोनेंट लिस्ट में दिखेंगी। एक तरीके से ये हमारी थैली है, इस थैली में जो भी हम सामान लेंगे वो यहाँ पे हमें दिख जाएगा, हमारी बकेट है ये बेसिकली। अब ये जो लेबल दिख रहा है, लेबल का काम क्या है, आपको कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, आपको कोई भी नाम दिखाना है, तो वो इस यहाँ पे दिखा सकते हैं हम। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो लेबल है इसका साइज बढ़ा कर देते हैं। तो साइज जो होता है दो तरीके से, एक होती है लेंथ और दूसरी होती है ब्रेथ। सो बेसिकली एक होती है लंबाई, दूसरी होती है चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में इसकी जो हाइट और विथ है इसको हम क्या कर देंगे, फिल पैरेंट, और इसकी विथ को भी हम कर देंगे फिल पैरेंट। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करके पवन कर देंगे, पवन ऐप। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे ही मैं कहीं और क्लिक करूंगा ये यहाँ पे आपको दिख रहा है पवन ऐप आ जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका फॉन्ट बड़ा दिखे, सो मैं क्या कर देता हूँ, इसका फॉन्ट साइज को बड़ा करके 30 कर देता हूँ। अब आप ये फॉन्ट को ऊपर फॉन्ट बोल्ड, इटैलिक फॉन्ट बोल्ड कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ। फिर इसके बाद ये जो टेक्स्ट कलर है इसको मैं चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ। अब आप इसमें नीचे टेक्स्ट अलाइनमेंट दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके इसको सेंटर में ला सकते हो। सो इस तरीके से ये मेरा नाम आ गया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी इमेज भी आ जाए। सो इमेज लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक इमेज कंपोनेंट है, इसको ड्रैग करके मैं इधर सेंटर में डाल लेता हूँ। और अब इसकी भी सेम तरीके से इसकी हाइट और विड्थ को हम बढ़ा देंगे, लंबाई और चौड़ाई को। सो हम इसकी जो हाइट दिख रही है उसकी को फिल पैरेंट पे क्लिक करके ओके कर देंगे, इसकी विड्थ को भी हम फिल पैरेंट करके ओके कर देंगे। अब देखिएगा, अब ये जो लेबल है ये बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी जो हाइट है उसको फिल पैरेंट करने की बजाय परसेंटेज में डिफाई कर देते हैं। सो परसेंटेज को मैं 10% कर देता हूँ। सो बेसिकली ये 10% हो गया। ठीक है, अब ये जो मेरी इमेज है ये इतनी बड़ी आ गई है। अब मुझे क्या करना है, ये इमेज मतलब ये यहाँ पे आप कोई इमेज, कोई फोटो लगा सकते हो। अब फोटो कैसे लगा सकते हो, तो उसके लिए आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा। सो फोटो अपलोड करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये इधर आप जाइए पिक्चर के ऊपर, पिक्चर के ऊपर क्लिक करके नीचे आपको ये अपलोड फाइल का बटन दिख रहा है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर ये यहाँ पे वो कहेगा चूज अ फाइल, उसके ऊपर आप क्लिक करिए तो ये आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। तो आपके कंप्यूटर, आपके जो भी डिवाइस है उसका मेमोरी स्टोरेज ओपन कर देगा। सो मैंने यहाँ पे डाउनलोड्स में माई इमेज करके अपनी फोटो सेव की हुई है। अब आपको ओके कर देना है। सो ये देख सकते हो मेरी इमेज है यहाँ पे आ गई है। सो इस तरीके से हम हमारी इमेज लगा सकते हो। अब आप चाहो तो ये इमेज को स्केल पिक्चर टू फिट कर सकते हो ताकि ये पूरी इसको फिट हो जाए। सो इस तरीके से आप आपका ऐप का एक बेसिक ऐप जिसमें आपका नाम लिखा हो और आपकी फोटो लगी हो बना सकते हो। हम इस ऐप में और क्या क्या फीचर ऐड कर सकते हैं, उसको कैसे बना सकते हैं, और इसको हमें हम हमारे फ़ोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। सो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।